दर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड एंड वार्म मॉर्निंग टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर संजय कुमार, ऑनरेबल चेयरमैन सर श्री वीरेंद्र चौधरी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम श्रीमती सुनीता देवी, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल मैम मिसेस पूजा शर्मा एंड रिस्पेक्टेड इनवाइटीज, फैकल्टी मेंबर्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑल द प्रेजेंटेड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स एंड शो देयर टैलेंट। Congratulations to all the members who have been contributed for the success of this program. Before starting the function, I heartily welcome inaugural अरोड़ा जी हैं, जो सैगल जी हैं, ये हमारे कौशल जी हैं, इतना अच्छा योगदान समाज में दे रहे हैं कि मैं इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। मैं इसको अपना हब मानता हूं ब्रेडी को। मेरे को पता है यहां पर बहुत अच्छा बुद्धिजीवी वर्ग रहता है। जब भी मैं यहां पर कार्यक्रम में शामिल होता हूं तो ये लोग जो हैं, जो सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट करती है। बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर लोग हैं, तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी समाज को सुधारने में आगे आना होगा। HS बनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि हम भी मीडियोकर ही थे, हम कोई पढ़ने में बड़ा अच्छा नहीं था, हम भी फर्स्ट डिवीजन यानी कि होता ना 60% टच करने वाले वो थे, हम कोई बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन इंड्योरेंस बहुत जरूरी है। इंड्योरेंस होती है आपकी अंदर की शक्ति की हार ना मानना। मैं सबसे पहले बैंक में लगा, ठीक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में मैं रहा हूं, यहां पर शायद कांगड़ा बैंक के मैनेजर भी बैठे हैं। मैं 99 में कांगड़ा बैंक में लगा। एक साल बाद मैंने स्टेप वाइज किया, मैंने पहली नौकरी नहीं छोड़ी। कांगड़ा बैंक में जब हमारी गर्दन नीचे होती थी तो 8 बजे पता नहीं लगता था, उस टाइम मैनुअल हुआ करता था सारे का सारा। मैं बंजार में पोस्टेड था, वहां पर हमने सारे के सारे 92 से लेकर 99 तक के सारे बैलेंसेस टैली किए, FDs के, लोन के, सेविंग के। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि मैं डबल एमए था, मेरा नेट और सेट था और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और हर बार मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाता था। मैं बताता हूं कि मैं 8वीं बार इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ हूं, लगातार 8 बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं, 8th टाइम मैं सिलेक्ट हुआ हूं एज अ तहसीलदार। अगर मैं चाहता तो मैं हार भी जाता। मैं नौकरी मिल चुकी थी बैंक में, जो हमारे यहां पर लेक्चर की तनख्वाह होती है ना बैंक वालों की, उनकी क्लर्क की तनख्वाह होती है उतनी, ठीक है, 420 रुपए उस समय इंक्रीमेंट लगती थी हमारे को, 2 महीने का बोनस मिला करता था। अब मेरे तो सभी खाना सर सामने देखो। यस Hey! Sit! Hey! Sit! Sit!